दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी सोने की मूर्ति कहाँ है जिसमें कई हजार किलो सोने लगे हैं। वैसे तो इस दुनिया में कई ऐसे भव्य मंदिर हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें कई ऐसे मंदिर हैं जो सोने के बने हुए हैं और लोग इसे देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। हाल ही में अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है उसमें भगवान श्री राम के हाथ में सोने का धनुष है। पर आज हम आपको एक ऐसी मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति है और इसमें कई हजार किलो सोना लगाया हुआ है। आइए इस बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। हम जिस अद्भुत मूर्ति की बात कर रहे हैं वो भगवान बुद्ध की है, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के वॉट ट्रेमिट मंदिर में स्थित है, जिसे द गोल्डन बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 9.8 फीट लंबी इस मूर्ति का वजन 5500 किलोग्राम से भी ज्यादा है और इसमें इतना सोना लगा है कि अगर इसकी कीमत आंकी जाए तो ये 19 अरब रुपए के आसपास होगी। आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने में 90 साल से भी ज्यादा का समय लगा है, जिसकी शुरुआत तांग वंश के शासनकाल में हुई। लेकिन ये मूर्ति कब बनी थी इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी के सुखोथाई राजवंश शैली में बना है, इसलिए माना जाता है कि ये उसी काल में बना होगा या फिर उसके बाद का हो सकता है। आप अगर इस प्रतिमा को देखेंगे तो नजर आएगा कि इसका सिर अंडे के आकार का है, जो ये संकेत देता है कि ये उसी काल में निर्माण हुआ था। इस मूर्ति को लेकर एक बड़ी ही रोचक बात बताई जाती है कि 1954 तक इस भव्य मूर्ति के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो मूर्ति है वो पूरी तरह से सोने की बनी हुई है। 1955 में जब मूर्ति को मंदिर में रखने के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो गलती से जमीन पर गिर गया और उस दौरान उस मूर्ति के ऊपर जो प्लास्टिक लगा था वो उखड़ गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि ये सोने की बनी हुई मूर्ति थी, तो उनके होश उड़ गए। इसके ऊपर प्लास्टिक की परत इसलिए चढ़ाई गई थी ताकि इसे चोरी होने से बचाया जा सके। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छाजी.com।